सुजानगढ़ की मरुदेह संस्थान के तत्वावधान में बुधवार को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया की 105वीं जयंती पर आयोजित समारोह में राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गायक कालूराम प्रजापति को कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्यामनाथ कछवा ने बताया कि प्रजापति को साफा शोल प्रतीक चिन्ह अभिनंदन पत्र दुपट्टा और साहित्य भेंट किया गया। अभिनंदन पत्र का वाचन रतन सेन के द्वारा किया गया। अपने सम्मान से अभिभूत होकर कालूराम प्रजापति ने कहा कि सेठिया जी जैसे महान कवि के घर में मुझे यह सम्मान मिलना मेरा सौभाग्य है। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि कविता और साहित्य ऑक्सीजन से ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन कुछ समय या कुछ दिनों के लिए प्राण की रक्षा करते हैं, जबकि साहित्य और कविता हमारी संस्कृति इतिहास को जिंदा रखते हैं। उन्होंने मरुदेह संस्थान के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि सेठिया जी को याद करना हमारी संस्कृति का पोषण करने जैसा है। उन्होंने कहा कि कन्हैयालाल सेठिया की साहित्य में भारत और राजस्थान की आत्मा बसती है, इसलिए घर घर तक कन्हैयालाल सेठिया का साहित्य और कविताएं पहुंचनी चाहिए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपर आयुक्त कस्टम एंड GST डॉक्टर दिनेश कुमार जांगिड़ सारंग ने कहा कि उनको महाकवि कन्हैयालाल सेठिया की जन्मस्थली पर आकर बेहद खुशी हुई है। वहीं विशिष्ट अतिथि खड़ग सिंह बांठिया, गीतकार सत्यमेव सवितेंद्र सहित अनेक लोगों ने विचार प्रकट किए। स्वागताध्यक्ष डॉक्टर गजादान चारण उद्बोधन देते हुए आयोजक के पृष्ठभूमि को रेखांकित किया। लाडनू के राजेश विद्रोही ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में नगर पालिका छापर के अध्यक्ष श्रवण कुमार माली, ITI के अध्यक्ष ख्याली राम सेवलिया, रतनगढ़ के श्रीकांत आत्रे, वरुण दाधीश, निर्मला प्रजापति, बीजेपी नेता कमल दाधीश आदि लोगों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम राज कछावे ने किया। इससे पहले पंडित मोहन चैतन्य शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के साथ कन्हैयालाल सेठिया के चित्र पर माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित करके अतिथियों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आयोजन में प्रजापति समाज से भवनलाल तोनवाल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के धनराज गोडेला, महामंत्री प्रेम प्रकाश सोनवाल, अरुण प्रजापत, मुनालाल घासोलिया, महावीर डावलिया, लक्ष्मी उपासनीवाल, राजेंद्र सिसवा, पार्षद पंकज घासोलिया, मूलचंद रिवाड़ी आदि ने भी लोक गायक कालूराम प्रजापति का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, मोहनलाल गिलान, वेद मोहनलाल शर्मा, गणेश मंडावरिया, बुद्धि प्रकाश सोनी, डॉक्टर कृणिदा आचारण, महेश जोशी, मूलचंद तिवाड़ी, मधुसूदन अग्रवाल, गिरधारी लाल बुगालिया, रामाकृष्ण फलवाड़िया, पूनमचंद सारस्वत, मुकेश रावतानी, शंकर करवा, हरिराम गोपाल पुरवा, स्नेह प्रभा मिश्रा, बाबूलाल किरोड़ीवाल, पार्षद मधु बागरेचा सहित अनेक लोग बाबलिया ने तू समझा ने घर ढूंढे समझण जीरो बींद बणूला गुड़े चढ़ोला कन निरकोला सास रियो सगड़ा साथी परणिया में तो रियो कुमारो डाबरियो। कभी कन्हैयालाल जी सेठिया मिस्त्री भी थे और हम सबके बहुत सम्माननीय और ऊर्जा प्रदान करने वाले थे। इनके स्थली पे जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। अब हम निश्चित रूप से कन्हैयालाल जी सेठिया की स्मृति को स्थायी कैसे बना सकते हैं, उनके साहित्य को जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उस पर मिल बैठ करके आपस में कोई ना कोई योजना बनाएंगे। हम ऐसा मान करके चलते हैं कि हर घर के अंदर कन्हैयालाल जी होना चाहिए, हर घर के अंदर कन्हैयालाल जी का साहित्य होना चाहिए। भाई वो जो राजस्थान की राजस्थानी की मान्यता को लेकर के जो सरकार की कमेटी बनी थी भैरव सिंह जी की सरकार में, मैं उस कमेटी में था, उसकी रिपोर्ट भी जो हमने दी थी उसमें मेरे भी हस्ताक्षर हैं। अब उसको भारत सरकार के सामने रखा, उसकी एक कमेटी भी है, कमेटी ने सिद्धांतों को सहमति दी है। इस सारे विषय पर बैठ करके प्रांत का नेतृत्व तो, केंद्र का नेतृत्व तो मिल बैठ करके इस दिशा में आगे कैसे बढ़ सकते हैं और निश्चित रूप से कोई सकारात्मक कदम उठाएंगे, मैं ऐसी मान करके कांग्रेस पार्षदों एवं कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस नेता हितेश जाखड़ के नेतृत्व में नगर परिषद के आयुक्त दिलीप शर्मा से मिला। इस दौरान हितेश जाखड़ ने नगर परिषद आयुक्त को बताया कि भाजपा के कुछ पार्षदों द्वारा नगर परिषद के कर्मचारियों पर बेवजह दबाव बनाकर परेशान किया जा रहा है और उनके मन मर्जी के अनुसार काम नहीं करने पर तबादले की धमकियाँ दी जाती हैं। पार्षद सलीम खान गाजी ने बताया कि पंजीयन प्रभारी बबीता मीणा पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं और भाजपा नेताओं के दबाव में किसी प्रकार का कार्रवाई करना न्यायोचित नहीं है। आपको पूरे मामले की सच्चाई का पता करना चाहिए था, जिस पर आयुक्त ने कहा कि मैंने कोई कार्रवाई नहीं की है, केवल सीगा बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना में लगाया है। जिस पर कांग्रेस नेता हितेश जाखड़ ने कहा कि भाजपा पार्षदों के अनेक वार्डों में
100 से ज़्यादा आवेदन पीएम आवास योजना को लेकर आए हैं। इस प्रकार के आवेदनों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि कथित रूप से 10,000 रुपये तक की रिश्वत लेकर भाजपा के अनेक नेता मकान बनवाने की गारंटी ले रहे हैं। ऐसे में लोगों के दबाव में अगर नगर परिषद के कर्मचारी आएंगे तो काम नहीं चलने वाला है। इस दौरान आयुक्त ने बताया कि कुल 4,000 आवेदन आए हैं, किस वार्ड से कितने आवेदन आए हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग नियमानुसार काम कर रहे हैं। वहीं पार्षद इस्माइल खान, लियाकत खान, कॉमरेड रामनारायण रुलाणिया, तरुण सियोता, राजेश ताकड़, राकेश तंवर सहित अनेक लोग इस दौरान मौजूद रहे। परिषद के जो कर्मचारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि कुछ पार्षदों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा अनैतिक रूप से दबाव बनाकर उनसे काम कराया जा रहा है। जब उन्होंने मना किया तो कल वो कई पार्षद यहाँ इकट्ठे होकर आए हैं और पीओ साहब उन्होंने ज्ञापन दिया, जिसकी वजह से इन्होंने कई कर्मचारियों के चार्ज बदले हैं। चार्ज बदलने ये एक सर्विस का पार्ट है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक गलत तरीके से आरोप लगाकर किसी कर्मचारी पर और फिर उसको उसका ट्रांसफ़र किया जाता है या उसका चार्ज बदला जाता है, तो हमने आज उस चीज़ का विरोध किया है और हम कर्मचारियों के साथ आज सारे पार्षद कांग्रेस पार्टी के आए हैं और उनका समर्थन किया है और आयुक्त साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई किसी भी कर्मचारी पर नहीं होगी और नहीं कोई अनैतिक काम या दबाव में आके कोई कर्मचारी यहाँ पर दबाव करे। बिल्कुल, ये पहले भी इस तरह से ज्ञापन दिया जा चुका है कि कुछ पार्षद हैं जो कि सीधे जनता से मिलते हैं और उनको काम के एवज के अंदर उनसे घूस लेते हैं और यहाँ कर्मचारियों पर दबाव बनाते हैं कि ये मेरा काम पहले होना चाहिए, और इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जिनके आने वाले समय के अंदर और उसमें जो भी प्रूफ है वो सामने आएंगे। कुछ कर्मचारियों को ट्रांसफर में की धमकी दी जाती क्या है? हाँ बिल्कुल, कर्मचारियों को नहीं बल्कि यहाँ जो बैठे हैं यही इंजीनियर, उन सबको भी इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि विकास कार्यों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जबकि मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसमें एक रुपया नया नगर परिषद के अंदर विकास कार्यों के लिए आया नहीं है। तो उन पार्षदों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी पार्टी की सरकार बनी है तो आप ये प्रयास करें कि आप नगर परिषद में नया फंड लेके आएं जिससे शहर का विकास हो, बजाय ये कि यहाँ कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप प्रयास करें, मंत्री जी के पास जाएं, वहाँ से फंड लेके आएं तो शहर का विकास हो। उसमें आप ये करें कि भाई आप उनको भी काम मिलेगा, हमें भी काम मिलेगा, शहर का विकास होगा। रानगढ़ पंचायत समिति सभागार में प्रधान मनभरी देवी मेघवाल की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के दौरान किए गए कामों का भुगतान नहीं होने की शिकायत लेकर टेंट व्यवसायी विनोद सांकला, प्रिंटिंग प्रेस के हरिकिशन शर्मा, खाना सप्लाई करने वाले गिरधारी लाल बोचीवाल एवं पेंटर राजेंद्र प्रजापत पहुंचे और अपना ज्ञापन सौंपकर बताया कि सभी को मिलाकर कुल 8,00,000 रुपए बाकी चल रहे हैं और अब बजट नहीं होने की दुहाई दी जा रही है। इस पर रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा द्वारा भुगतान के संबंध में पूछे जाने पर विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद व्यास ने बजट नहीं होने का हवाला दिया, जिस पर विनोद सांकला ने कहा कि जब बजट नहीं था तो हम लोगों से काम क्यों करवाए गए, जब काम करवा लिया है तो भुगतान हमारा किया जाना चाहिए। जिस पर रतनगढ़ विधायक ने कहा कि जिला परिषद को इस बारे में पत्र लिखकर बजट मांगा जाएगा और मार्गदर्शन लिए जाएंगे। दूसरी ओर आपनी योजना की टंकियों में पानी का कनेक्शन नहीं किए जाने की बात भी रतनगढ़ विधायक द्वारा रखी गई, जिस पर आपनी योजना के सीएम ने कहा कि पैसे की कमी है। विभाग द्वारा कंपनी को अंतिम नोटिस दिया जा चुका है और उसे ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा गया है। वहीं पंचायत समिति सदस्य दीवान सिंह भानीसरिया ने कहा कि ओवरलोड ट्रांसफार्मरों की सूची और प्रपोजल बनाकर भेजें। पूर्व मंत्री खेमारा मेघवाल ने पंचायत समिति परिसर स्थित विभिन्न विभागों को 2 दिनों में नए बिजली कनेक्शन देने के लिए कहा। वहीं जोधपुर डिस्कॉम के एक्सीएन को आवेदन के बाद जल्द कनेक्शन देने के लिए अनुरोध किया गया। बैठक में बिजली के ढीले तार कसवाने, बरसात के कारण सड़कों
के किनारों पर हुए कटाव को सही करवाने, सरकारी स्कूलों में पानी की सप्लाई दुरुस्त करवाने, क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करवाए जाने सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। तहसीलदार सुभाष चंद्र स्वामी, विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद व्यास, उप प्रधान सरिता ढाका, जलदाय विभाग के एक्सीन राम अवतार सैनी, विद्युत विभाग से धीरा चंद शिवराण, CDPO वरुण चौधरी, CBO सुनीता पूनिया, ACBO मंजू पंवार, कृषि विभाग से गोविंद सिंह, PWD से सहायक अभियंता मोहित परासर, समाज कल्याण अधिकारी बाबूलाल मायल, गौरीशंकर नाई, जिला परिषद सदस्य नोरन सिल्लू, गिरधारी लाल कांटीवाल, केसरा राम गोदारा, इमरान खान, महावीर सिंह पारतीसर, आनंद सिंह, तरुण सिंह सहित अनेक लोग इस बैठक में। 2023 के अंदर 20 अगस्त से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर हमने टेंट का, भोजन का, बैनर का, लाइट माइक का, सबका काम किया था। हमारे उससे काम करा लिया, अभी तक उसका भुगतान नहीं किया। जब बार बार आते थे एक ही बात बोलते हैं कि बजट नहीं है, बजट नहीं है। हमने बजट के अभाव में काम नहीं किया था, इनके रेप से हमारे को बाकायदा वर्क ऑर्डर दिया था, वर्क ऑर्डर आधार पर हमने काम किया था, अभी तक सुनवाई नहीं। और ये बोले हमारा बजट 180 का था, 180 का आपका बजट था तो आपने 8 लाख का काम हमारे से क्यों करवाया? हम तो ये चाहते हैं हमारा 10 पेमेंट हो, नहीं तो उसका अन्यथा ब्याज से हमको पैसा देना पड़ेगा, और ना किसी को यहाँ पे अन्य को काम करने देंगे। मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए का पेमेंट आया कि हमारे पास बजट इतना 10,000 से हम क्या करेंगे? इतना तो हमारी गाड़ी भाड़ा लग गया, फिर काम करने क्या फायदा? 12 महीने से चक्कर पे चक्कर लगा रहे, संतुष्ट जवाब आज भी नहीं दिया हमारे को क्या फलाने फलाने डेट को हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो सर हम ये चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई हो, नहीं तो फिर अन्य हम आगे जाना पड़ेगा। नहीं, हम प्रशासन से ये गुजारिश करेंगे हमारा जल्दी से जल्दी पेमेंट जल्दी से जल्दी कराएंगे। धन्यवाद। सुजानगढ़ के कोतवाली पुलिस थाने में सुनील जाट निवासी मांडी थाने मुकदमा दर्ज करवाकर बताया है कि हम लोग पैदल सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। पीछे से रात करीब 1:50 पर हमारे घर में 2 अज्ञात चोर घुसे और कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने का बोरला, मादलिया, चांदी की तागड़ी, चांदी की पाजेब आदि जेवर ले गए तथा 40,000 रुपये नकदी चोरी करके ले गए। घटना 6 सितंबर की रात की है और चोर CCTV में भी नजर आए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सुजानगढ़ में जल झूलनी एकादशी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल नातो तालाब और रेवाड़ियों के रास्तों पर साफ सफाई पर्याप्त करवाने की मांग को लेकर नगर परिषद आयुक्त दिलीप शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। मंदिरों के पुजारियों की ओर से दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि करीब 20 मंदिरों से रेवाड़ी निकलेगी जो घंटाघर चौक पर पहुंचेगी और यहां से 1:30-5:30 नातो तालाब रवाना होंगी, इसलिए कार्यक्रम स्थल और रास्तों पर साफ सफाई के पर्याप्त बंदोबस्त किए जावे। आयुक्त ने सफाई निरीक्षक ओम प्रकाश स्वामी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विजय शंकर मिश्रा, गोविंद शर्मा, भवनलाल गिलान, गजानन मिश्रा, मोहनलाल शर्मा, रामावतार शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव पारेवड़ा में एक युवक को चाकू मार दिए जाने का मामला सामने आया है। युवक को लहूलुहान अवस्था में राजकीय बगड़िया अस्पताल लाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव पारेवड़ा में 19 वर्षीय निखिल सिंह को महावीर सिंह नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसको बगड़िया अस्पताल लाए जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक युवक का गांव पारेवड़ा में नरिहाल है जबकि वह सेवत गांव का रहने वाला है। सांडवा पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी और अन्य कार्यवाही गुरुवार सुबह होने के बाद ही हो पाएगी।